हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग। और आज का मौसम काफ़ी खुला हुआ है, मन तो कर रहा था बहुत सारे काम कर लूँ, यानी जितने भी काम हो सब आज ही कर लूँ, क्योंकि आज हमारे सूर्य देव हमें अच्छे से दिखाई दे रहे हैं और धूप भी काफ़ी अच्छी निकलेगी आज। और पक्षी भी काफ़ी खुश हो रखे हैं, पक्षी भी खुश होंगे और हम भी सब खुश हो रखे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी धूप काफ़ी दिन के बाद दिखाई दी है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मेरे को बनानी, मैं बस धूप का वेट कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि कई काम ऐसे हैं जो पड़े हुए थे धूप के लिए। और सबसे पहले कर लेते हैं हम अपने आस, ये जो किचन का जो एरिया है इस साइड की साफ़ सफाई। तो ये मूली लेके आई हुई थी, कुछ मूलियाँ बच गई थी, कल मैंने अचार डाला था। अचार वाली वीडियो आपको कैसी लगी? यानी बहुत अच्छी लगी और सबने अच्छे से देखी हुई है, तो आप भी मेरे जाके और इस वीडियो को ज़रूर देखना। बिल्कुल नए तरीके से अचार डाला था जो नानी जी ने बताया था, बिल्कुल पुराने तरीके से, और खट्टा खट्टा अचार काफ़ी अच्छा बना। वो मैंने टेस्ट भी किया फिर से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये अचार बनाया था, नानी जी ने बताया था उसके अकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छा अचार बन के तैयार हुआ था। और अभी तो मतलब उठने में टाइम है, तो और भी अच्छा बनेगा ये अभी तो। और यहाँ से कर लेते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत सा काम करना है आज। तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह करना पड़ेगा, आंगन काफ़ी बड़ा है, इसमें झाड़ू में ही लग जाता है 1-1.5 घंटे के लगभग। तो सुबह सुबह तो बस यही भाग दौड़ रहती है कि झाड़ू निकालनी है। और आज बनाने वाले हैं हम कद्दू की सब्ज़ी, जो पेठा है उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ से अभी मैंने झाड़ू वगैरह हो गया था, बस सोच रही थी कि कुछ और बच्चों के लिए बनाऊं, क्योंकि बच्चे कद्दू की सब्ज़ी खाते नहीं हैं, उसमें नखरे करते रहते हैं ये खाना। और छुट्टी है आज बच्चों की, मतलब छुट्टी क्या, पार्टी थी स्कूल में, तो इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए, क्योंकि बड़े बच्चों की पार्टी थी इसलिए ये स्कूल नहीं गए, तो घर पे ही आज। नव्या में और इसके भाई में सारा दिन झगड़ा होता रहता है, पता नहीं क्या इनको किस बात पे लेके झगड़ पड़ते हैं। तो अभी इसका कुछ नाम रख रहा था, तो ये बस ऐसे ही कर रही थी कि मेरे को भैया ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, शिकायत करती रहती सारा दिन। तो अभी कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि सब्जी वगैरह सब हो गया है, आटा भी लग गया है। और सबसे पहले मैं अपनी वॉशिंग मशीन निकाल लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ मशीन भी चलती रहेगी और मैं अपना जो किचन वाला काम है वो भी करती रहूँगी। शिवलिंग पर पूजा के लिए इतना ही होता है ये चंद्र चावल, यहाँ पर ढूंढ रखी जैसे।
हमारी खट्टी मीठी सब्जी है वो भी बन के तैयार हो गई है, और साथ में मैंने आटा भी लगा लिया था। बस अब रोटियां बनानी रह गई हैं। और आज चलने वाली है मेरी मशीन। ये देखो खाना वाना सब हो गया है, बस बर्तन रह गए। बर्तन भी कितने हैं जो हमारे घर पे, एक तो बर्तन, झाड़ू और कपड़े, इन पे गणेश जी की काफ़ी कृपा रहती है, बहुत ज़्यादा होते हैं। सारा दिन अगर करते भी रहे ना तो भी काबू में नहीं रहता। तो आज मैं बस कटिंग कर रही हूँ कार्डबोर्ड की, क्योंकि मैं आज कचरी तोड़ रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टाइट से गत्ते पे ही तोड़ लेते हैं ताकि बाहर भीतर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं वही गत्ता, मेरे पास वॉशिंग मशीन का पहले पड़ा हुआ था एक गत्ता, तो फिर मैंने सोचा इसी पे कर लेते हैं। और इसके ऊपर प्लास्टिक है, उसको इस पे मतलब चिपका के और इसी पे कर लेंगे, क्योंकि अब तो यही मौसम है कचरी तोड़ने का, पापड़ बनाने का, चिप्स वगैरह, बस यही मौसम है। तो इस मौसम में अच्छे से टूट जाती है और फिर साल भर के लिए दिक्कत नहीं होती। और ये जो मैंने अभी कचरी तोड़ी है, ये मैंने 15-20 मिनट में तैयार करके और तोड़ दी थी, इतना टाइम नहीं लगा। मैंने इतने कपड़े धोते धोते ही मैंने कचरी तोड़ दी थी। अगर स्पेशल टाइम निकालती तो सारा दिन शायद नहीं हो पाता। तो एक टिफ़िन था, एक टिफ़िन के लगभग मैंने ये कचरी तोड़ी है अभी, और इसमें इतनी सारी कचरी हो जाएंगी कि अगर 2 से 3 महीने आराम से चल जाएंगी। लेकिन मैं अभी और भी बनाऊंगी। और सुबह से शाम लगी हुई थी नहाने को, मेरे को शाम हो गई बिल्कुल, तो अभी 4:30 बजे का लगभग का टाइम हो रखा है, तो अब मैं नहाने जाऊंगी। तो सुबह मैं लगी थी 5 बजे, और 5 बजे से कंटिन्यू बस भागते भागते मेरे को 12 घंटे हो जाएंगे लगते, और फिर इसके बाद मेरा शाम का काम शुरू हो जाएगा। तो सारा दिन ऐसे ही काम में निकल जाता है। और अब हम शाम की सब्जी की तैयारी करने जा रहे हैं खेत की साइड, क्योंकि मैं देखूंगी अब क्या बनाना है। कितने बजे आऊंगे भाई साहब? कितने बजे आऊंगे? तेरे पापा को बुला ले, चप्पल पहन का यार। इसमें निकाल, कस्सी ले ले, इसमें नहीं निकाल। उरुम्बा रह रहे, उरुम्बा ले ले, इसने उखाड़ लेने पूरी डोड़ने, इसने, हाँ। तो सबसे पहले खेत में आए आलू निकालने के लिए, क्योंकि अब शाम के टाइम हम बनाएंगे आलू आल और हरा लहसुन है उसकी चटनी। तो काफ़ी दिन हो गए थे ये बनाए हुए, तो सोचा आज वही बना लेते हैं। तो इनकी तो काफ़ी फेवरेट है, तो आलू निकालते निकालते मेरे हाथ में चोट लग गई, तो ये बोले कि मैं ही निकालता हूँ, क्योंकि इस साइड आलू कम थे, क्योंकि लगभग मैं निकाल चुकी थी। तो ये बोले कि इसको साफ ही कर दे ताकि आगे फिर तैयारी कर सके कि आगे कुछ बनाना है, कुछ लगाना है उसके लिए। तो ये बोल रहे थे कि इसमें फिर दोबारा से आलू लगा देते हैं गर्मियों के लिए। तो इसमें से इतने ही आलू निकले थे, क्योंकि मैंने पूरी सर्दी इनमें से ही आलू निकाले। सर्दी मैंने आलू खरीदे ही नहीं है। यो यू कह, मैं बता दूंगा इसने। देखियो यो इसकी पूछ पकड़ा सीधी है। तो आलू ज़्यादा हो गए थे इसलिए मैं बर्तन लेने के लिए घर चली गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में इतने नहीं आ सकते थे छोटे मोटे करके। तो ये छोटे छोटे आलू देख के मैं सोच रही थी एक दिन इसके भी दही आलू बनाएंगे। तो अभी तो मेरे को बस आलू की चटनी बनानी है शाम को, जो सबकी फेवरेट है, और अब की बार तो बस खाया भी नहीं चटनी को। तो अभी पहले चटनी बनाते हैं, फिर कभी सोचेंगे कि दही आलू भी बनाना है। साढ़े 5-6 बजे के लगभग टाइम हो गया है, और अब शाम के खाने की तैयारी हो गई है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू को हारी में दबा के जाऊँगी, और आलू को हारी में जो तरीका है वही है एक और मैंने शक्करकंदी की शेयर की थी। तो पहले मैं आलू को जो फॉइल पेपर है, जो सिल्वर पेपर है, उसमें लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद इसको अच्छे से लपेट लेंगे ताकि इसमें जो आलू हैं वो जले ना और साथ में इसमें मिट्टी या राख लगे नहीं। और इस तरह से करते हैं ना तो उसमें बरकत हो जाती है आलू में, तो मैंने सोचा कि इस सिल्वर पेपर में ही लपेट के डाल देते हैं और जल्दी भी पक जाते हैं, क्योंकि सिल्वर पेपर में बहुत जल्दी पक के तैयार होते हैं, तो फिर इसमें ही कर लेते हैं। वैसे भी लेट होता जा रहा था शाम के टाइम, और मेरे को करनी थी कल सुबह की सब्जी की भी तैयारी। तो सब्जी की तैयारी क्या, सुबह भाई साहब आ रहे थे तो मम्मी बोल रही थी कि रायता बना लेना, तो मैं अभी बथुआ लेने आई हुई हूँ और मम्मी भी साथ में थी। मम्मी बोली कि दोनों मिलके जल्दी तोड़ लेंगे, तो अभी बथुआ, सुबह बथुआ का रायता और चटनी सब्जी जो भी बनाना है वो बनाएंगे। तो लेकिन बथुआ लेने के लिए मैं और मम्मी आए हुए हैं, क्योंकि अभी तोड़ेंगे तभी सुबह जल्दी बन पाएगा, और सुबह इतनी जल्दी ना तो लेने आया जा सकता, क्योंकि ओस लग जाती है और ओस में घुसा नहीं जाता खेत में। तो हमने तोड़ लिया बथुआ, ये सुबह के लिए रख देंगे, और अब करते हैं शाम की तैयारी। तो आलू भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं, वो निकाल लेते हैं, चटनी बनाएंगे फिर। कितना और चलो चुप हो तेरे ये मन पकोड़े लागे पल पल देख के तो मैंने साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया, लहसुन ये पहले बारीक पीस लिया है, और ऊपर से डाल रही हूँ मैं आल और लहसुन। मैंने पहले पीस लिया था हरा लहसुन, वो पहले पीस चुकी थी मैं, और अब आल पीस रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि आल के साथ जो टमाटर, ये आलू की चटनी है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस आल को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और इसके ऊपर हम आलू को थोड़ा सा छेद लेंगे, कूट लेंगे इसके ऊपर। ये चटनी हरियाणा की फेमस चटनी है, और आलू की चटनी बोल के इसको खाया जाता है। तो ये पहले के टाइम तो बहुत ज़्यादा बनती थी, अब तो काफ़ी कम हो गया है। तो पहले जब भी होता था, जब बोला जाता था कि आलू, जब बाहर सीखते थे तो आलू दबा देते थे और उसकी चटनी बना के और खाते थे। अब मैं बना रही हूँ खाना सबके लिए। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और प्लीज़ मेरे वीडियो के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले।